अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 3 बेस्ट क्लाउड आरडीपीस के बारे में, जिनको बनाना बहुत ही आसान है। बच्चा बच्चा इनको बना सकता है और आप उसके अंदर अपना कोई सा भी टास्क इजीली परफॉर्म कर सकोगे। आपको अलग अलग आईपीस मिलेंगे, किसी में आपको जर्मनी का सर्वर मिलेगा, किसी में आपको यूएसए का सर्वर मिलेगा, किसी में आपको कोई और सर्वर मिलेगा। तो डिफरेंट लोकेशन के आपको यहाँ पर मैं फ्री आरडीपीस क्रिएट करना सिखाऊंगा, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी, विदाउट क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड की होगी। अगर आप लोग भी यूट्यूब सर्च कर रहे हो हाउ टू गेट फ्री आरडीपी, तो आज के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज मैं आपको कंप्लीट तरीका बताऊंगा हाउ टू क्रिएट फ्री आरडीपी। अब टाइम नहीं वेस्ट करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और भाई लोगों, पहली आरडीपी बनाने के लिए आपने क्या करना है, सिंपल आपने अपना कोई ब्राउजर ओपन कर लेना। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने गूगल सर्च करना है। गूगल में आके आपने सर्च करना है ऐप ऑन फ्लाई। यहाँ पर आप देख लो ऐप ऑन फ्लाई के क्या स्पेलिंग है। वो सर्च करने के बाद आपने क्या करना है, ये फर्स्ट वेबसाइट अब यहाँ पर लिखा हुआ है ऐप ऑन फ्लाई विंडोज वीपीएस एंड क्लाउड गेमिंग, ठीक है। आपने क्या करना है, इस फर्स्ट वेबसाइट को न्यू टैब में ओपन कर लेना है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक और गिफ्ट देना चाहता हूँ। आपने हमारे दूसरे चैनल जो हमारा लर्न इजी वे यूट्यूब चैनल है, ये वाला आपने YouTube में जाके सर्च करना है, और वहाँ पर जाकर अगर आपको फिल्मोरा 13 जैसा वीडियो एडिटर चाहिए, तो आपने क्या करना है, इस चैनल में जाकर आपने इसकी फर्स्ट वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लेना है। यहाँ पर आपके सामने वीडियो शो भी हो रही है। इस वीडियो में मैंने आपको फिल्मोरा 13 जो वंडर जेल फिल्मोरा का लेटेस्ट वर्जन है, उसको पीसी और लैपटॉप में डाउनलोड और इंस्टॉल करने का तरीका समझाया है। और हाँ, इसमें आपको वही मिलेगा जो आप लेना चाहते हो, लेकिन यहाँ पर आपको मैं एक और चीज बताता चलूं कि इसमें कुछ लोगों ने नेगेटिव कमेंट भी किए हैं, तो आपने उन पर ध्यान नहीं देना। एक बार कंप्लीट वीडियो वॉच करनी है, फिर आप लोगों ने फैसला करना है कि आपको इस वीडियो से फायदा हुआ है या नहीं हुआ। तो मस्ट वॉच दिस वीडियो। चलते हैं अपनी आरटीपी की तरफ। तो जैसे ही यहाँ पर आपके सामने ये ऐप ऑन फ्लाई की वेबसाइट ऑन हो जाए, आपने क्या करना है, सिंपल इज दैट यहाँ पे स्टार्ट फ्री ट्रायल का ऑप्शन मिल जाएगा, जो कि बिल्कुल आपको फ्रंट फेस पर ही मिल जाता है। यहाँ पर आपको लिखा हुआ नजर भी आ रहा है विंडोज वर्चुअल प्राइवेट सर्वर, तो यहाँ पर आपने स्टार्ट फ्री ट्रायल पर क्लिक करना है। ये आपको न्यू टैब पे न्यू विंडो पर ले जाएंगी, और यहाँ पर मजे की बात क्या है, जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे ये ऑटोमेटिकली आपकी आरडीपी बना देगा। चंद ही सेकंड्स के अंदर यहाँ पर आपकी जो आरडीपी है वो रेडी हो जाएगी। जैसे कि अभी मैंने बस स्टार्ट पर ही क्लिक किया था, स्टार्ट ट्रायल पर, यहाँ पर मैंने क्लिक किया, ये आपको न्यू विंडो पर ले जाकर आपकी आरडीपी आपके सामने शो कर देगा। बट यहाँ पर आपके सामने नजर आ रहा होगा ट्रायल एक्सपायरीज इन 17 मिनट, ये तकरीबन 17 से 17.5 मिनट के लिए आपको आरडीपी मिलती है, जिसके अंदर आप कोई भी अपना छोटा मोटा टास्क इजिली परफॉर्म कर सकते हो। तो यहाँ पर इंटरनेट चलाने के लिए आपने क्या करना है, इस माइक्रोसॉफ्ट एज के ब्राउजर को ओपन करना है, और यहाँ से आप इसको एक्सेप्ट कर लें, और यहाँ पर आप क्रोम ब्राउजर भी इंस्टॉल कर सकते हो। सिंपल यहाँ पर आके क्रोम सर्च करें, क्रोम को सर्च करने के बाद आप इसकी वेबसाइट में चले जाएं, और यहाँ से आपने क्या करना है, सिंपल इसको डाउनलोड कर लेना और इसको इस आरडीपी के अंदर इंस्टॉल भी कर लेना। सिंपल यहाँ पे मैं डाउनलोड क्रोम पर क्लिक करता हूँ, ये विद इन मिनट के अंदर यहाँ पर आपका ये इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, यहाँ पर हमारी जो क्रोम की फाइल है वो डाउनलोड हो चुकी है। सिंपल ओपन फाइल पर मैं क्लिक करूंगा, और यहाँ पर आपके सामने देखिए ये डाउनलोडिंग हो रहा है, उसके बाद ये अपने आप ही यहाँ पर इंस्टॉल भी हो जाएगा। मैं जस्ट यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ ताकि वीडियो ज्यादा लॉन्ग ना हो। ओके जी, यहाँ पर हमारा जो क्रोम है वो डाउनलोड हो चुका है, अब जस्ट इंस्टॉलिंग हो रही है। इतना हम क्या करते हैं, अपने ये माइक्रोसॉफ्ट एज वाले ब्राउजर को हम बंद कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपके सामने देखें जो हमारा क्रोम ब्राउजर है वो सक्सेसफुली यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है। अभी हमारे पास 15 मिनट बाकी है, तो यहाँ पर इसको मैं स्किप करता हूँ। यहाँ पर आप गोइड पर क्लिक करें, और अब आप अपनी आरडीपी को इजीली यूज कर सकते हो। यहाँ पर मैं आप सबसे पहले स्पीड टेस्ट कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पर मैंने स्पीड टेस्ट सर्च कर लिया। अब हम क्या करते हैं, ये fast.com वाली वेबसाइट में चलते हैं और चेक करते हैं कि हमें इस आरडीपी में कितना इंटरनेट मिल रहा है। तो भाई साहब, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो तकरीबन 100 MB का यहाँ पर आपको इंटरनेट मिलता है, जो कि इनफ है यार, काफी अच्छी स्पीड है फ्री आरडीपी के लिहाज से, क्योंकि ये क्लाउड आरडीपी है, इसमें आपको इतनी ही स्पीड मिल सकती है। तो यहाँ से हम इसको बंद कर देते हैं। अब आप इसके अंदर अपना यूट्यूब चलाएं, कोई भी टास्क आप इजीली परफॉर्म कर सकते हो। यहाँ पर हम आईपी एड्रेस भी चेक कर लेते हैं कि इस आरडीपी के अंदर हमें कौन सी लोकेशन मिली है। ऑलरेडी यहाँ पर मैंने सर्च कर लिया माई आईपी एड्रेस लोकेशन, तो इस फर्स्ट वेबसाइट को हम न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं और देख लेते हैं हमारी लोकेशन कौन सी है। यहाँ से इसको सिंपल एग्री पर क्लिक करते हैं और थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं नीचे की तरफ को, तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो ये कोई नवी ही कंट्री मुझे नजर आ रही है, कजेशिया के नाम से, आई थिंक सो, मैं रॉन्ग हूँ तो मुझे करेक्ट कीजिएगा कमेंट में। तो ये वाली लोकेशन है भाई साहब आपके सामने, मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ और ये आरडीपी किसी और कंट्री की है, यानी कि किसी और लोकेशन की है। तो आप इसमें अपना कोई भी काम इजीली परफॉर्म कर सकते हो। जैसे आपका काम कंप्लीट हो जाए, यहाँ से आप इसको बंद कर दें, या फिर आप अगेन इसके अंदर आकर बनाना चाहो तो आपने फिर दोबारा से इस वेबसाइट में आना और यहाँ से स्टार्ट फ्री ट्रायल पर आपने क्लिक कर देना है, आपकी यहाँ पर आरडीपी अगेन बन जाएगी।
ऑलराइट, अब हम बात करते हैं अपने सेकंड आरटीपी के बारे में। सेकंड आरटीपी बनाने के लिए भी आपने अपना कोई सा ब्राउजर ओपन करना है, उसमें गूगल ओपन कर लेना है। वहां पर जाकर आपने सर्च करना है हाइपर बीम। आपने ये आकर गूगल में सर्च करना और इसको सर्चिंग पे लगा देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, ये फर्स्ट वेबसाइट आपके सामने शो हो जाएगी hyperbeam.com। अब यहाँ पर लिखा भी हुआ है वर्चुअल कंप्यूटर्स इन योर वेबसाइट। आपने क्या करना है, इसको न्यू टैब में ओपन कर लेना है। साथ आपने कोई और वेबसाइट, ऑनलाइन वेबसाइट भी ओपन रखनी है और यहाँ से इसको कॉपी कर लेना है। आप इसमें इस तरीके से भी अकाउंट बना सकते हो और आप अपने रियल जीमेल अकाउंट पर भी अकाउंट बना सकते हो। जैसे आपके सामने इस वेबसाइट का इंटरफेस हो, आपने क्या करना है, यूज हाइपर बीम फॉर फ्री, आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ से आपने इस फर्स्ट वाले को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है, सिंपल इज दैट। और यहाँ पर आपने क्या करना है, क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक कर देना है। यहाँ से आपने कोई सा मंथ सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ पर आप कोई डे सिलेक्ट कर लें और यहाँ से आप कोई रैंडम ईयर सिलेक्ट करके सिंपल कंटिन्यू पर क्लिक कर दें। अब यहाँ पर आपने अपना ईमेल देना है और कोई स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। तो मैं ये सेम ही दे देता हूँ। यहाँ पर इसको चेक कर लेंगे एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। अब सिंपल यहाँ पर कैप्चा फिल कर लेते हैं। ऑलराइट, यहाँ पर हमारा जो कैप्चा वो कम्प्लीट हो चुका है। सिंपल क्रिएट अकाउंट पर हमने क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर वो आपसे कोड मांगेगा, वो आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा। यहाँ पर आपने थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ से हम इसको ओपन कर लेते हैं। ये हमें कोड मिल चुका है, हम यहाँ पर इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद अगेन यहाँ पर आकर उस कोड को कॉपी एंड पेस्ट करके सिंपल सबमिट पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर हमारे सामने इसका मेन डैशबोर्ड शो हो जाएगा। आपने क्या करना है, आरटीपी क्रिएट करने के लिए क्रिएट रूम पर आपने क्लिक करना है और यहाँ से इस पर क्रिएट पर क्लिक कर देना है। स्टार्ट ब्राउजिंग पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर विद इन सेकंड आपकी जो आरटीपी है वो रेडी हो चुकी है। अब आप क्या करें, यहाँ पर आपके सामने आपका जो पीसी है वो रेडी है। अब आप इसके अंदर ये देखें, आपको क्रोम ब्राउजर जो है वो प्री इंस्टॉल मिला है। आप इसके अंदर यूट्यूब चलाएं, कोई भी अपना छोटा मोटा टास्क आप इजीली परफॉर्म कर सकते हो। सबसे पहले यहाँ पर हम इंटरनेट स्पीड चेक कर लेंगे अपनी। ऑलराइट, यहाँ पर मैंने स्पीड टेस्ट सर्च कर लिया। यहाँ पर इसकी अपनी ओकला की वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं एक न्यू टैब में और यहाँ से इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और यहाँ पर स्पीड को टेस्ट पे लगा देते हैं। ऑलराइट, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो 500 MB प्लस, जो कि तकरीबन 1 GB प्लस चली गई है इंटरनेट स्पीड। ये काफी ज्यादा अच्छी स्पीड आपको प्रोवाइड करते हैं जिसके अंदर आप कोई भी अपना टास्क इजीली परफॉर्म कर सकते हो। अब ये देखें, शाम का वक्त है, 1 GB प्लस आपको इंटरनेट स्पीड मिल रही है, जो कि डाउनलोडिंग भी है और अपलोडिंग भी है। इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई भी काम आप अपना इजीली इसके अंदर परफॉर्म कर पाओगे। तो यहाँ से इसको हम बंद कर देते हैं। आपके सामने देख लें, काफी अच्छी इंटरनेट स्पीड आपको देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर अपना आईपी एड्रेस चेक कर लेते हैं कि इस आरडीपी के अंदर हमें कौन सी लोकेशन मिली है। सिंपल माई आईपी एड्रेस लोकेशन सर्च करते हैं। यहाँ पर मैंने सर्च कर लिया और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस फर्स्ट वेबसाइट को एक न्यू टैब में ओपन करके चेक करते हैं कि इसमें हमें कौन सी लोकेशन मिली है। ऑलराइट, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो, जो हमें ये वाली आरडीपी मिली है वो मिली है जर्मनी की। ठीक है, यहाँ पर कंप्लीट डिटेल आपको नजर आ रही होगी। पहले जो उनसे हमें आरडीपी मिली थी वो कोई क्रोएशिया नाम की कंट्री थी, या पता नहीं वट एवर कौन सी वो कंट्री थी, लेकिन ये जो उनसे आरडीपी है इसमें हमें जर्मनी की जो है वो लोकेशन देखने को मिली है। अब आप इसके अंदर भी अपना यूट्यूब चलाएं या कोई और टास्क जो आप करना चाहें वो आप इसके अंदर इजीली कर पाओगे। जैसे आपका यहाँ पर काम कंप्लीट हो, आप इसको यहाँ से नॉर्मल स्क्रीन करके यहाँ से आप इसको बंद वगैरह इजीली कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मैं इसको बंद कर देता हूँ, इसको भी यहाँ पर इस तरह करके आप इसको बंद कर दोगे। ऑलराइट, अब हम बात कर लेते हैं अपनी लास्ट एंड थर्ड आरटीपी के बारे में, जो कि क्लाउड आरटीपी है। पहली दो भी क्लाउड थी, ये वाली भी क्लाउड ही होगी। तो आपने सिंपल क्या करना है, आपने कोई सा ब्राउजर ओपन कर लेना है। गूगल में आकर आपने सर्च करना है ऑन वर्क्स। सिंपल आपने गूगल में ऑन वर्क्स सर्च करना है। यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ और यहीं पर आपको फर्स्ट में ही एक वेबसाइट मिलेगी, फ्री क्लाउड होस्टिंग बाय ऑन वर्क्स। आपने क्या करना है, इसको न्यू टैब में ओपन कर लेना है। ये इतनी ईजी आरटीपी मैं आपको बता रहा हूँ जो बच्चा बच्चा क्रिएट कर सकता है। सिंपल आपने इनकी वेबसाइट में आ जाना है, थोड़ा सा आपने इसको स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर आपको बहुत सारे सर्वर मिल जाते हैं, फ्री वाइन है, उसके अलावा यूबंटू है, बहुत सारे हैं। हमें ज्यादातर यूज करते हैं हम, वो है विंडो है और उसके अलावा यहाँ पे यूबंटू भी हम काफी बार यूज करते हैं। तो यहाँ पर ये मैक है, मैक को यूज करने के लिए आपने सिंपल इस पर एक बार क्लिक करना है, ये आपको न्यू विंडो पर ले जाएगा और यहाँ पर आपके सामने कुछ टाइमर चलेगा। उसके बाद आपने एंटर पर क्लिक करना है और आपकी यहाँ पर आरटीपी जो है वो रेडी हो जाएगी। चंद एड्स आपको देखने को मिलते हैं इस वेबसाइट में, तो आपको बर्दाश्त करने पड़ेंगे। ओके, यहाँ पर आपने सिंपल एंटर पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपके सामने अगेन एक दफा लोडिंग होगी।
और हमारी जो RDP है वो हमें दे दी जाएगी। अब यहाँ पर लिखा भी आ रहा है स्टार्टिंग द सर्वर, तो हमें चंद सेकंड के लिए वेट करना है। ओके, यहाँ पर लिखा गया रेडी क्लिक एंटर, तो यहाँ पर हम एंटर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर कुछ लोडिंग हो रही है। उसके बाद हमें हमारी RDP जो है, जो हमारी क्लाउड RDP है, जो क्लाउड सर्वर हमारा वर्चुअल सर्वर है, वो क्रिएट कर दिया जाएगा। अब हमें बस चंद सेकंड के लिए ही यहाँ पर वेट करना है। ऑलराइट, हमारा जो मैक का सर्वर है, जो मैकबुक है, उसका सर्वर यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। कुछ इस तरह का आपको मैकबुक का जो है वो सर्वर देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको प्री इंस्टॉल्ड फायरफॉक्स का ब्राउजर मिलेगा, उसको चलाने के लिए आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप कोई भी टास्क अपना इजीली परफॉर्म कर पाओगे। ज्यादातर हम लोग जो यूज करते हैं वो विंडो है, तो ये तो मैंने जस्ट आपको दिखाने के लिए किया ओपन, ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि बस मैं हवा में बातें कर रहा हूँ। भाई यहाँ पर आप विंडो के अलावा भी और सर्वर भी यूज कर सकते हो अपनी डिमांड के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको बंद कर देता हूँ, क्योंकि मुझे मैक यूज नहीं करना। मैं ज्यादातर यूज करता हूँ विंडोज सर्वर। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, विंडो 10 का सर्वर बनाते हैं। सिंपल इस पर एक बार क्लिक करते हैं, ये हमें न्यू विंडो पर ले चलेगा और यहाँ पर बस हमें वैसे ही वेट करना है जैसे हमें थोड़ी देर पहले मैक का सर्वर बनाते हुए किया था। तो यहाँ पर मैं बना लेता हूँ, उसके बाद आपको मिलता हूँ। और ऑलराइट भाई लोगों, यहाँ पर हमारा जो विंडो सर्वर है वो भी रेडी हो चुका है। सेम प्रोसेस है जैसे अभी हमने मैक का सर्वर क्रिएट किया था, वैसे ही आप विंडो का भी कर सकते हो। तो सिंपल यहाँ पर हम पहले इसकी व्यू की सेटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर व्यू पर आपने क्लिक करना है और यहाँ से आपने फुल स्क्रीन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। थोड़ा सा ये स्क्रीन को आपके लिए वाइड कर देगा। इस सर्वर में भी आपको फायरफॉक्स का प्री इंस्टॉल ब्राउजर मिलता है। सिंपल आपने इस पर एक बार क्लिक करना है और इसके अंदर आप अपना कोई सा भी टास्क इजीली परफॉर्म कर पाओगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्पीड टेस्ट करेंगे। यहाँ से हम गूगल में स्पीड टेस्ट सर्च कर लेंगे और यहाँ पर हम फास्ट वाली जो सी वेबसाइट है उसमें जाकर अपना इंटरनेट स्पीड को टेस्ट करेंगे। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं नीचे की तरफ को। ऑलराइट, यहाँ पर हमें ये वेबसाइट मिल चुकी है, इसको हम न्यू टैब में ओपन कर लेंगे और यहाँ से देख लेते हैं। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो तकरीबन 200 MB की इसमें भी आपको इंटरनेट स्पीड मिल रही है, जो कि दिन के टाइम पर आपको तकरीबन 500 MB तक मिल जाती है। अभी शाम का टाइम है, इस टाइम ज्यादा यूजर यूज कर रहे होते हैं। देखिए 190 MB की यहाँ पर आपको इंटरनेट स्पीड है वो देखने को मिल रही है। अब अपना IP एड्रेस चेक कर लेते हैं कि इस RDP के अंदर हमें कौन सी लोकेशन देखने को मिली है। सिंपल गूगल में सर्च कर लेते हैं माई IP एड्रेस लोकेशन, यहाँ पर ये मुझे मिल चुका है। यहाँ पर इसको हम सर्च कर लेते हैं और इस फर्स्ट वेबसाइट को ही ऑन करके देख लेते हैं अगर ये काम वर्क करती है। ओके जी, यहाँ पर हमारे सामने जो है हमें ये दूसरी RDP में भी जर्मनी की ही लोकेशन मिली है, लेकिन इसके अंदर रीजन चेंज है और यहाँ से सिटी भी चेंज है। पहले जो सी हमने RDP बनाई थी उसके अंदर कंट्री तो जर्मनी ही थी, लेकिन उसका रीजन भी और था और उसकी जो सिटी थी वो भी और थी, लेकिन इसके अंदर आपको कोई और सिटी और कोई और रीजन मिला है, लेकिन कंट्री यहाँ पर आपको सेम जर्मनी की ही मिली है। तो यहाँ से हम इसको बंद कर देते हैं। अब आप जो चाहें इस RDP के अंदर भी इजीली परफॉर्म कर सकते हो, जैसे आपका काम कंप्लीट हो यहाँ से आपने सिंपल इसको क्रॉस कर देना है। और भाइयों को आज की वीडियो के लिए इतना ही, तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर कुछ भी सीखने को मिला है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग एडमिन एक्सेस वाली RDP लेना चाहते हो, जिसको आप किसी भी लैपटॉप या कंप्यूटर में लॉगिन वगैरह कर सके, अगर आप लोग बिल्कुल फ्री में ऐसी RDP क्रिएट करना चाहते हो, तो आप हमारी लास्ट वीडियो को लाजमी से वॉच करें, जिसमें आपको 32 GB रैम, 500 GB की SSDR ड्राइव और 24 कोर का CPU मिलता है। बड़ी ही कमाल की वीडियो है, वो भी आप लोगों ने लाजमी देखनी है, जिससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। अब आज की वीडियो के लिए इतना ही था, मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।